पता नहीं कब मिलेगी आज की परंपरा। धैर्य रखो, मिल जाएगी। मेहनत और धैर्य का फल सदा मीठा होता है। मैं तो कहता हूँ मंदिर में चलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमें परंपरा जल्दी मिल जाए। चलो चलते हैं। हे गणेश, परंपरा ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। अवश्य सखी। आओ बच्चों, प्रसाद ले लो। पंडित जी, ये तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सनातन परंपरा है, इसीलिए। परंपरा? हाँ। मैंने कहा था ना, धैर्य रखेंगे तो परंपरा मिल ही जाएगी। पंडित जी, क्या मुझे एक ही जगह 4-5 मोदक मिल सकते हैं? अवश्य पुत्र। तुम सबके चेहरों का हर्ष और माथे का तिलक बता रहा है कि तुम सब मंदिर गए थे और वहीं तुम्हें कोई परंपरा भी मिल गई है। आपसे कुछ छुपा थोड़ी है बाल गणेश। हमें तो ये भी पता है कि आपको पता है कि हम आज कौन सी परंपरा लेकर आपके पास आए हैं। हाँ सखी, मुझे सब पता है कि आज तुम सब तिलक लगाने की परंपरा ढूंढ कर ले आए हो। जी बाल गणेश, आज हम सब इसी परंपरा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो सुनो मित्रों, किसी भी शुभ कार्य से पहले तिलक इसीलिए लगाना चाहिए क्योंकि ये शुभ होता है, किंतु इसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसे नियमानुसार ही लगाना चाहिए। जैसे कि बिना स्नान किए तिलक कभी न लगाए, खड़े होकर तिलक लगवाने की जगह बैठकर लगवाएं। बैठकर तिलक लगवाना श्रेष्ठ होता है। तिलक लगवाते समय मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के आरंभ में सर्वप्रथम तिलक इष्ट देव को लगाएं, जिनकी पूजा परिवार में सनातन समय से होती आ रही हो। इष्ट देवता को आराध्य देवता भी कहा जाता है। उसके पश्चात स्वयं को लगाएं, जिसके लिए सदैव उचित उंगली का ही प्रयोग करें। उचित उंगली का प्रयोग अर्थात क्या बाल गणेश? अर्थात ये कि तिलक लगाने में प्रत्येक उंगली का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे तर्जनी उंगली से तिलक लगाने पर मोक्ष प्राप्त होता है, एवं पितृगणों को तिलक लगाने के लिए भी इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है। मध्यमा उंगली का प्रयोग व्यक्ति स्वयं को तिलक लगाने के लिए करता है। अनामिका उंगली का प्रयोग धार्मिक या दैवीय कार्यों में किया जाता है। वही अंगुष्ठा का प्रयोग धन शक्ति या फिर किसी को विशेष सम्मान देने के लिए किया जाता है। बाल गणेश, तिलक मस्तक पर ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए सखी, क्योंकि मस्तक पर तिलक लगाना सात्विकता का प्रतीक होता है। मानव शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग में जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है, उस स्थान पर आज्ञा चक्र स्थापित होता है। पद्म पुराण के अनुसार मस्तक के दाहिने भाग में भगवान ब्रह्म, वाम भाग में महादेव और मध्य भाग में विष्णु का निवास होता है। उन भागों पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति की एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि होती है, और यही आज्ञा चक्र हमारी आत्मा के प्रवेश और निकास का मार्ग भी है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति जी हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। ये आज्ञा चक्र उन्हीं का केंद्र है, इसीलिए साधना ग्रंथों में इसे गुरु चक्र के नाम से भी अभिभूत किया गया है। बाल गणेश, क्या तिलक केवल मस्तक पर ही लगाया जाता है? नहीं सखी, मानव शरीर पर तिलक लगाने के 12 स्थान होते हैं जहाँ तिलक लगाया जाता है, जैसे सर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाजुएं, कांधे, बाह का जोड़, नाभि, पीठ और दोनों हाथों का निचला हिस्सा। इन स्थानों पर रोली, चंदन, हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाना शुभ होता है। इससे शरीर में रक्त संचार,
एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। रोली, चंदन और कुमकुम का तिलक तो समझ में आ गया बाल गणेश, परंतु क्या हल्दी से भी तिलक होता है? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मित्र, मैं तुम्हें ये विस्तार से बताता हूँ। तिलक के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि भगवान महादेव के भक्त पवित्र राग से तीन क्षितिज रेखाओं का तिलक लगाते हैं, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। भगवान विष्णु जी के भक्त चंदन का तिलक लगाते हैं, जो तीन ऊर्ध्वाध रेखाओं में होता है। वही शक्ति के उपासक कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाते हैं, जो एकल सीधी रेखा अथवा बिंदु के रूप में होता है। बाल गणेश, मेरी माता कौन सा तिलक लगाती होंगी? तुम्हारी माता अपने मस्तक पर शक्ति रूप तिलक लगाती होंगी, जिसे बिंदी कहते हैं। महिलाओं के लिए तिलक का ये प्रतिरूप सौंदर्य के साथ साथ साक्षात शक्ति रूप देवी माता पार्वती का भी प्रतीक है। बाल गणेश, आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त कौन सा तिलक लगाते हैं? मुझे प्रसन्न करने के लिए भक्त लाल चंदन का तिलक लगाते हैं, जैसा मूषक जी ने अपने मस्तक पर लगा रखा है। आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे पास भी कुछ है प्रभु। और वो क्या है? नूतन।